पाइन नेटवर्क को लेकर बहुत सारे भाई लोग ये सोचते हैं कि ये प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम में इसके पाई कोइन लिस्ट होगा तो उनको बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। कुछ भाई लोग तो ये भी अजम्पशन लगा रहे हैं कि पाई कोइन उनको करोड़पति बना देगा, और ये सोचना जायज भी है। क्यों? क्योंकि इजी मनी साउंड होता है, यहाँ ना तो आपके कोई पैसे लग रहे हैं और ना कोई मशक्कत करनी पड़ती है, बस मोबाइल में माइनिंग हो रही है, फ्री में कॉइन मिल रहे हैं, तो ये सोचना इजी है। लेकिन जो एक्चुअल चीज है ना, वो आपको कोई नहीं बताने लग रहा है। लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना तो आपको सब कुछ चीजें पता चल जाएगी पाई नेटवर्क के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि पाई नेटवर्क किस मिशन से आया है। तो इनका जो मेन मिशन है ना, वो है जो माइनिंग डिफिकल्टीज है ना उसको कम करना। आपको इतना तो पता ही होगा, जो नॉर्मल माइनिंग होती है ना, वो करने में बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, पैसे वगैरह, जो चीजें चाहिए होती है, कंप्यूटर, ग्राफिक कार्ड्स, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, माइनिंग को इजी बना दिया है। मोबाइल में माइनिंग होती है और हर कोई कर सकता है। इसी मिशन को देखते हुए बहुत सारे लोग इससे जुड़ने लगे हैं और इनकी कम्युनिटी में अब तक 30 मिलियन से ज्यादा लोग हो चुके हैं, यूजर्स बोल लो या फिर माइनर्स बोल लो, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का कि क्या पाई नेटवर्क स्कैम है या फिर ये लेजिट है, तो इस पे बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पाई नेटवर्क को ना तो आप स्कैम बोल सकते हैं ना आप लेजिट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अभी तक भी इंटरनेट पे इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और इस प्रोजेक्ट को आए हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इनका ओपन मेननेट लॉन्च नहीं हुआ है। बस वो बोलते रहते हैं लेकिन फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि कब होगा, किस डेट को होगा। कोई सा भी बढ़िया प्रोजेक्ट होता ना तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। यहाँ पे 4 साल हो गए, ऐसा क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं जो भाई ये ओपन मेन नेट तक लॉन्च नहीं कर पाए? तो ये बहुत ही बड़ा डाउट है और बहुत सारे भाई लोग इसको लाइटली में ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, बात करें ना तो ये स्कैम बोला जा सकता है ना लेजिट बोला जा सकता है। जब तक इनका ओपन मेन नेट लॉन्च नहीं होता ना, तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ओपन मेन नेट लॉन्च होने के बाद फिर पता लगेगा कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी। ओपन मेन नेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसके लॉन्च होने के बाद ही ये पाई कॉइन है ना, वो एक्सचेंजेस पे ट्रेड करेगा, अलग अलग पेयर्स पे, और जो ये पूरा नेटवर्क है फुली डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। और अब तक है ना, लोग इसकी हाइप में जी रहे हैं कि ये पाई कॉइन करोड़पति बना देगा, ये कर देगा, फलाना कर देगा। देखो, अभी तक इसको लेकर क्लियरिटी नहीं है। आप पूरे इंटरनेट को छान मारना, आपको जो एक्चुअल चीजें हैं वो कहीं पर नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इसकी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बता देता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं। पहला पॉइंट, जो इसकी कम्युनिटी है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके मिशन को देखते हुए इतने लोग जुड़ चुके हैं, 30 मिलियन से ज्यादा का नंबर है, जो कि छोटी बात नहीं है, इंप्रेसिव है। दूसरा पॉइंट, इनके जो व्हाइट पेपर पे जो आइडियाज हैं वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक लग रहे हैं, कुछ तो वर्थ रखते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है इस पूरे पाई नेटवर्क को लेकर। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो इसके फाउंडर है ना वो अच्छे बैकग्राउंड से हैं, बढ़िया एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यूनिक ही कोई भी एरा गिरा के यहाँ पे नेटवर्क बना दिया है, तो यहाँ पे बढ़िया एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसको लेके। अब यहाँ पे इसके जो नेगेटिव पॉइंट है उन पे बात कर लेते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी अभी तक नहीं है। पूरे इंटरनेट में आप छान मारोगे ना तब भी आपको इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी, तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे डाटा और प्राइवेसी को लेकर इश्यूज है पाई नेटवर्क को लेकर, कि यहाँ आपके डाटा के साथ क्या कर रहे हैं, ये KYC वगैरह ये भी करते हैं, अभी तक इसको लेकर क्लियरेंस नहीं है ना कि ये लेजिट है, तो यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। अब तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है गूगल प्ले स्टोर पे ना जो पाई एप्लीकेशन है उस पर बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज हैं, तो ये भी एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि लोग नेगेटिव रिव्यूज क्यों डाल रहे हैं, उनको अभी तक इस पर ट्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताया हूँ। तो यहाँ देखो, ओवरऑल बात करें ना पाई नेटवर्क को लेके, तो इनके जो डेवलपमेंट्स हैं, इनका इंटेंशन है, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। 4 साल होने को आए हैं लेकिन अभी तक इनका ओपन मेन नेट लॉन्च नहीं हुआ, जो कि हो जाना चाहिए था। कोई सा भी बढ़िया प्रोजेक्ट हो वो अपनी डेवलपमेंट्स को बहुत ज्यादा तेजी से करता है, लेकिन यहाँ पे तो 4 साल हो गए, पता नहीं क्या करने लग रहे हैं कि ओपन मेन नेट भी अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए। ओपन मेन नेट लॉन्च हो तब जाके तो आगे चीजें भी हो, तब इस पे ट्रस्ट भी हो कि ये कुछ करने आए, यहाँ पे स्कैम तो नहीं है, पता लगा कि ये पूरा स्कैम करके चले गए। तो यहाँ पे ओनली दो ही चीज देखने को मिलेगी, या तो ये मेन नेट लॉन्च कर देते हैं जिससे इस पे ट्रस्ट हो और उससे इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू बने, और अगर मेन नेट लॉन्च नहीं करते हैं और यूं ही यहाँ पे टाइम पास करते रहते हैं तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाता है कि ये पूरा स्कैम करके भाग जाएंगे। तो यहाँ पे ना आप थोड़ा केयरफुल रहिए, यूनिक इस पे आंख बंद करके भरोसा करने लग रहे हैं। कोई सा भी प्रोजेक्ट हो उसकी हर चीज आपको पता होनी चाहिए। हालांकि जाएगा तो कुछ नहीं आपका, लेकिन जो मेहनत लगी है वो तो चली जा सकती है ना। और यहाँ एक और इश्यू है कि अभी थोड़े दिनों पहले ना हुबई पे पाई कॉइन लॉन्च हुआ था,
और इन्होंने यहाँ मना भी कर दिया था कि इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, और लोगों को भी बोला था कि वहाँ पे ट्रेड मत करना जो पाई कम्युनिटी है। तो यहाँ पे अभी तक ना कोई वैलिड यहाँ पे लिस्टिंग नहीं हुई है। वैलिड लिस्टिंग होने के लिए पहले तो यहाँ पे ओपन मेन नेट लॉन्च होगा, उसके बाद एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगी। लेकिन इनकी तरफ से तो अभी तक कोई डेवलपमेंट का तो लग ही नहीं रहा है, और पता नहीं ये कितना टाइम लेंगे ओपन मेन नेट को लॉन्च करने में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बस यहाँ पे ओपन मेन नेट लॉन्च होना चाहिए, तब जाके आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जब तक ओपन मेन नेट लॉन्च नहीं हो तब तक इसको लेजिट नहीं मान सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।